अब एक और बड़ी खबर आपको बता देती हूँ रेमडेसिविर इंजेक्शन को लेके। सरकार की तरफ से बड़ी पहल ये की गई है कि रेमडेसिविर इंजेक्शन की कीमत में भारी कटौती। कंपनी के साथ मिलकर रेमडेसिविर की कीमत फिक्स कर दी गई। 900 से 3500 रुपए तक ही रेमडेसिविर की कीमत अब होगी। लेकिन रेमडेसिविर इंजेक्शन है क्या? जीवन रक्षक दवाओं में इस दवा का महत्व क्या है? सहयोगी दिनेश गौतम से समझिए। ये क्या है? ये एक एंटीवायरल दवा है रेमडेसिविर, जो वायरस को रेप्लिकेट होने से, बढ़ने से रोकती है। और इसके बारे में बहुत प्रामाणिक रूप से स्थापित नहीं है कि ये कोविड की बहुत प्रामाणिक दवाई है, लेकिन कई जगहों पर क्योंकि इसे प्रभावी माना गया तो इसे भी इलाज में शामिल किया गया। 2009 में अमेरिकी साइंटिस्ट ने इसे बनाया था और कुछ एक बीमारियों के संदर्भ में, मसलन हिपेटाइटिस सी के संदर्भ में इसे पहली बार इस्तेमाल किया, और उसके बाद कुछ और बीमारियों में इसे प्रभावी पाया गया। 2014 में इबोला के इलाज के लिए भी इसका इस्तेमाल किया गया था, और उसके बाद मर्स और सार्स इसके इलाज में भी इसका इस्तेमाल किया गया था। रेमडेसिविर अमेरिका ने कोरोना के इलाज के लिए पहले इसकी मंजूरी दी, और ये माना गया कि ये वंडर ड्रग है, बहुत कमाल के तरीके से कोविड को रोक रही है। लेकिन इसके बारे में अलग अलग जगहों से अलग अलग स्टडीज आई। ये जरूर कहा गया कि ये खास विंडो में, जबकि वायरस किसी के शरीर को संक्रमित करता है, अगर इसकी डोसेज को तरीके से दिया जाए तो उसके रेप्लिकेशन को ये रोक सकता है। डॉक्टरों के मुताबिक इसकी इफेक्टिविटी को लेकर कोई स्टैंडर्ड बात सामने नहीं आई है, कोई तय मानक नहीं है। और ये जो हमने आपको बताया कि इसको लेकर कोई स्टैंडर्ड स्टडी नहीं आई जिसमें ये पाया जाए कि ये असल में एक्चुअली कितना इफेक्टिव है इस वायरस के अगेंस्ट, लेकिन ये पाया गया कि इसके रेप्लिकेशन को रोकने में खास टाइम पीरियड में ये प्रभावी होता है। गैलेट साइंस के डेटा के मुताबिक सिर्फ ये एक अनुमान है, और इस अनुमान के आधार पर ही, क्योंकि अभी ज्यादातर चीजें कोविड से रिलेटेड अनुमान के आधार पर, क्योंकि कोविड बहुत पुराना वायरस नहीं है, साइंस को भी इसको समझने और उसके हिसाब से अपने आप को तैयार करने में वक्त लग रहा है। कोविड रिकवरी के टाइम को ये 5 दिन घटा देता है, मतलब आपकी रिकवरी जल्दी हो इस संदर्भ में आपकी मदद करता है। 50 से ज्यादा देश कोविड के इलाज में इसका इस्तेमाल कर रहे हैं रेमडेसिविर का, और WHO के मुताबिक गंभीर परिस्थिति में ये असर नहीं करता। जब मरीज बहुत ज्यादा गंभीर हो जाता है तब रेमडेसिविर भी काम नहीं करता, यही डॉक्टर मिश्रा भी अभी बता रहे थे। और WHO की माने तो कई साइड इफेक्ट्स भी इसमें दिखाई देते हैं। ये ऐसा नहीं है कि ये रेमडेसिविर जो है एकदम कोई ऐसा अमृत है जिसको पी लेने के बाद आदमी ठीक हो जाता है और उसके बाद उसको कोई साइड इफेक्ट्स नहीं होते हैं। आइए एक बार फिर से अपने डॉक्टर्स के पास चलते हैं, डॉक्टर नितिन। लेकिन उनके पास जाने से पहले भारत में रेमडेसिविर के एक्सपोर्ट पर, क्योंकि बीच में ऐसा एक मौका आया जब एक लल था कोविड के हिसाब से, तो भारत ने एक्सपोर्ट करना शुरू कर दिया था, लेकिन अब एक्सपोर्ट को रोक दिया गया है और अब देश में 7 कंपनियां रेमडेसिविर बना रही हैं। अप्रैल तक उत्पादन दोगुना करने का लक्ष्य है। 6 और कंपनियों को रेमडेसिविर बनाने की मंजूरी दे दी गई है। सरकार ने रेमडेसिविर की कीमत 3500, जिसके बारे में अभी हमने आपको सर्कुलर भी दिखाया, तय कर दी है, और ये कहा है कि इस रेंज में ही अधिक से अधिक इसकी कैपिंग कर दी गई है कि इसकी जो ज्यादा कीमत होगी वो 3500 से ज्यादा नहीं हो सकती। फरवरी तक कोरोना केस घटने पर लगा था कि वायरस खत्म हो गया, लिहाजा जैसा मैं आपको बता रहा था कि इसको एक्सपोर्ट करना शुरू कर दिया था। 6 महीने में 100 से ज्यादा देशों को 11 लाख इंजेक्शन भारत ने एक्सपोर्ट किए हैं, और अब जरूरत पड़ी तो प्रोडक्शन नहीं बढ़ा क्योंकि इसके लिए जो कच्चा माल चाहिए, और कहते हैं कि 2 दर्जन से ज्यादा इसके लिए आपको रॉ मटेरियल चाहिए इस इंजेक्शन को प्रोड्यूस करने के लिए, लिहाजा अब ये मुश्किल आ रही है। कंपनियां ये हैं, कीमत वो दिखाई दे रही है। डॉक्टर रेड्डीज 5400 रुपए का बेच रहा है, हेट्रो ड्रग्स जो कि कोवीफोर नाम से आता है 5400 रुपए का बेच रहा है, माइलैंड ये 4800 रुपए का बिक रहा है, और जुबिलेंट जेनेरिक्स का ये जो जूबी आर आता है उसकी कीमत, अब इनको सबको 3500 रुपए की कैपिंग देने की व्यवस्था सरकार ने की है। क्योंकि आप देखें यहां पे कीमत में आपको वैरायटी, इसमें एक रेंज दिखाई दे रही है। डरेंगे तो हारेंगे, लड़ेंगे तो जीतेंगे। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारत वर्ष पर।